हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बेकरी स्टाइल कुकीज़ घर पे बनाना सिखाऊंगी, वो भी विदाउट ओवन एंड विदाउट बटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल ले जाएंगे और इसमें हम 1.5 कप मैदा देंगे। अभी उसमें जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अभी इसमें थोड़ा सा स्वादानुसार नमक देंगे। अ पिंच ऑफ सॉल्ट इज़ इनफ। अभी हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए ये हो गया। अभी हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ घी लिया हुआ है, तो इसको हम अच्छी तरीके से विक्स करेंगे। देखिए अच्छी तरीके से विक्स करने के बाद इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। और अभी मैंने पीसी हुई चीनी 3/4 कप इसमें ऐड किया है। इसे भी हम अच्छी तरीके से मिला देंगे। और अभी हम जो मैदा रखे थे इसको अच्छी तरीके से धीरे धीरे करके इसमें मिला देंगे। इसमें मेजरमेंट बहुत ही ज़रूरी है, तो मैंने आपको जो भी मेजरमेंट बोले हैं आप उसी तरीके से कीजिए। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध देके इसको अच्छी तरीके से मसल लेंगे और एक टाइट डो हमें बना लेंगे। इसमें हमें ज़्यादा दूध नहीं देना है, नहीं तो कुकीज़ क्रिस्पी नहीं बनते हैं, एकदम नरम हो जाते हैं। अभी अच्छे फ्लेवर के लिए हम इसमें वेनिला एसेंस ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच। आप चाहें तो कोई और फ्लेवर भी ले सकते हैं। अभी मैं डो को 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी और कुछ पार्ट में मैं चोको पाउडर से इसे अच्छी तरीके से मिला दूँगी, ताकि हम जब कुकी बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा और खाने के लिए भी अच्छा लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा लोई लेकर ऐसा गोल बना देंगे और उसमें हमने जो चोको पाउडर देके जो बनाया था डो, उसमें हम इसे ओवरलैप करके ऐसे डिज़ाइन बना देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी सिंपल डिज़ाइन बनाया है और मैंने इसको वीडियो भी नहीं बनाया है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो सिर्फ डिज़ाइन का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, ताकि आपको अच्छा लगे वो देखने में। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चम्मच की हेल्प से ही इसे किया है और ये भी कितना अच्छा दिख रहा है। आप जैसे भी चाहें आप वैसे डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखने में जितने सुंदर लगते हैं, खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आप चाहें तो इसमें आप रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं, पर रिफाइंड ऑयल से ये अच्छे से बाइंडिंग नहीं हो पाते हैं। उसी के लिए आप बटर से करें, अगर बटर ना हो तो आप घी से भी कर सकते हैं। अभी इसमें हम क्रॉस घुमा देंगे। देखिए ये भी डिज़ाइन बन गया। अभी हम सॉल्ट लेके इसे इवनली स्प्रेड करेंगे और एक प्लेट के ऊपर हम सारे कुकीज़ को रख देंगे। ध्यान रहे कि कुकीज़ थोड़ा सा डिस्टेंस में रखेंगे, क्योंकि ये जब बेक होते हैं तो ये थोड़ा से फूल जाते हैं, और अगर हम पास में रखेंगे तो ये अच्छी तरीके से बेक नहीं हो पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया और बाकी बचे हुए कुकीज़ को भी हम इसी तरीके से बेक कर देंगे। मुझे पूरा 40 मिनट्स लगे इसे बेक करने के लिए और मैंने फ्लेम पूरा लो रखा था, तो इसे हमें लो फ्लेम में 40 मिनट तक अच्छी तरीके से बेक करना है। और इसका जो लीड है इसे भी आप बंद कर दें, ताकि जो हीट है वो बाहर ना जा पाए और ये अच्छी तरीके से बेक हो। देखिए फ्रेंड्स, ये बेक भी हो गया है। अब हम इसे बेक कर देंगे और इसे हम प्लेट में सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा क्रिस्पी बना है। इसके स्ट्रक्चर से आपको पता चल गया होगा कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी है। तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत सारा थैंक यू।